शख्स से जिनके साथ इतना बड़ा बड़ा घटना हुआ है, और तब पर भी उन्हीं लोग पे ये लोग विश्वास करती हैं, उन्हीं लोग को भगवान और देवी और देवता ये लोग बना देते हैं कि जब उनसे मिलने जाते हैं तो उन लोगों के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का ये लोग सामान लेके जाती हैं। यही लोग आप लोग देख, पहले एक बार शकल देख लीजिए इन लोगों का। मैं भी बोल रही हूं, सही है ये बात, सही है। हम लोग कोई सब्सक्राइबर जो उनके पास जाएंगे 9 लाख हार लेके जाएंगे, और वही सब्सक्राइबर हमारे पास आएंगे तब विपत लेके आएंगे, बोझा की विपत्तियां लेके ठोक देंगे। तो ये सारी बात की बातें अभी आपको अच्छे से मैटर समझाया जाएगा। यहाँ पे एक दीदी है, क्या हो रहा है यहाँ पर भाई? यहाँ पे एक दीदी है जो कि इनसे पैसे मांगे, चलोगे इस वजह से हमको यहाँ करना चाहिए। हम लोग आज हैं मौजूद यहाँ पे शांति के घर पे, सही है ना? और यहाँ पे ये दीदी हमारे पास आई है, हमारे पास नहीं आई थी कांता भैया, इन्होंने ऐसा अक्सर छोटे यूट्यूबरों के साथ हो रहा है और आगे हो भी सकता है। पहले ही जाती है किसी के घर पे, जाने के बाद वहाँ पे इनसे बोला जाता है कि तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक आया है। स्ट्राइक आया हो चाहे ना आया हो, अच्छा मान लीजिए स्ट्राइक हटाने का कोई चार्ज ले लेता है तो वो हमको समझ में आता है। इनके 600 फॉलोवर्स हैं, और जब ये गई थी तब इनके 150 फॉलोवर्स थे ना। हाँ। जब ये गई थी, अरे यार बात कर रहा है। तो दोस्तों बार बार डीजे चल जा रहा है, कभी जनरेटर चल जा रहा, तो हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो दीदी का चैनल पर जब ये गई थी तो इनके चैनल पर 150 फॉलोवर्स होते हैं, तो क्या चैनल मोनेटाइज होता है? जरूरत नहीं होती चैनल को, सीमेंस की जरूरत तब पड़ती है जब आप चैनल से पेमेंट उठाते हैं, चाहे लगती हैं, तब आप लोग को सीमेंस की जरूरत होती है, क्योंकि हम उसी सीमेंस के सपोर्ट से, सीमेंस के मदद से हम अपने चैनल का स्ट्राइक हटवाते हैं। तो ये तो सारी बात सा लिया गया, कितना पैसा लिया गया था? 3000। इनसे 3000 रुपये लिया गया, इनके बोला कि आपके चैनल पर स्ट्राइक है, आपको चैनल सीमेंस में कराना पड़ेगा, और फिर आप जाइए एक हफ्ते बाद फिर आइएगा, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। इनके आज हैं कितने फॉलोवर्स हैं? 600, तब 150 थे, अब 600 हैं। आप लोग सोचिए 3000 में क्या 600 फॉलोवर्स बढ़ते हैं? 600 छोड़िए, और ये एक हफ्ते बाद ना गई, ना चैनल मोनेटाइज हुआ, ना ये एक हफ्ते बाद गई। अच्छा क्या इन्होंने नहीं गई, क्योंकि अगर ये दोबारा जाती तो ऐसे ही पैसे इनसे और मांगे जाते हैं, और ये बात आगे तक होती जा। दो अब तुम्हारे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, 10000, जो लोग नहीं जानते उन लोग को ऐसे उल्लू बनाया जाता है। और आप लोग को बता दूं, यहाँ पे इतनी सारी दीदियाँ हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर बड़े क्रिएटर के पास जाते हैं हम लोग, तो लोग वीडियो बनाने का पैसे मांगते हैं कि पैसे दो तब वीडियो बनाएंगे, नहीं तो अच्छे से वीडियो नहीं बनाते, खड़े खड़े लोग अपने घर चले जाते हैं, वीडियो नहीं बना पाते हैं। गाना बंद कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए, चालू है दीदी। ये लोग, इन लोग को अगर ये लोग अगर दाएं बाएं से एक वीडियो बना लिए तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो अपने घर में चले जाते हैं बड़े यूट्यूबर, और ये लोग अपने घर चले जाते हैं। और अगर वहीं पर अगर ये लोग 2-4 रुपये दे देते हैं कि हेलो, मतलब चैनल के माध्यम से चाहे किसी चीज़ के भी माध्यम से अगर पैसे दे देते हैं, तो इनके साथ शॉर्ट वीडियो ब्लॉग अच्छे से बन जाता है, सही है ना? और आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ऐसी इतनी सारी दीदियाँ हैं, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक दीदी है, आई है नेपाल से, इनके हस्बैंड नहीं है और इनका एक बच्चा है, लड़का है, और इनकी बहुत मुसीबत है। तो आप लोग बारी बारी सब लोग के पहले चैनल का नाम सुन लीजिए। बताइए आप अपने चैनल का नाम, क्या नाम है? अच्छा ये बताइए भाभी एक सवाल, जैसे यहाँ पर आप लोग सपोर्ट, मतलब भाभी से आप लोगों ने सपोर्ट मांगा, क्या ये नहीं कर रही हैं? कर रही हैं। कोई पैसा आप लोगों से कोई पैसा ली है? नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट कर रही हैं ना, तो ऐसे लोग दूर रहे जो पैसा ले आए, इसलिए हम बोल रहे हैं, आपसे बता रहे हैं। दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, थोड़ा करिए कहीं तरह, और देखिए 12500 बोलिए, रानी कुमारी 12500, क्या नाम है आप बोलिए? रीमा राज गोरखपुर 6224, आप बोलिए दीदी? सुनीता गोरखपुर 55, 12500 नहीं है भैया, आप बोलिए? रानी कुमारी 12500, 4500। दोस्तों दीदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, दीदी सबका मदद करती हैं, और आप लोग भी चाहते हैं दीदी को मदद करिए, और हम लोग को भी मदद करिए। चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, कविता चांद देवरिया सपोर्ट करिए। आप बोलिए रानी कुमारी 12504, 500 नहीं है, 4500। बोलिए एक बार फिर से देखिए, हम ही बना रहे हैं हाँ, 400 बोलिए आप, बोलिए बराबर। दोस्तों आप देख सकते हैं इनके चैनल का नाम है, यहाँ पे आपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं आपने सब लोग के चैनल का नाम सुन लिया है,
और आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनके चैनल को एक बार जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ सोच समझ के ही हमारे पास आई हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी एक बार हेल्प करें। अगर हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोग अगर इनका सपोर्ट करेंगे तो इन लोगों से ज्यादा मुझे खुशी मिलेगी। ये लोग मुझे पीठ पीछे गाली देते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्यों गाली देंगे? लेकिन मेरी जो YouTube फैमिली है, मैं बात कर रही हूँ पीठ पीछे कोई लाख बुराई करे, लाख गाली दे, लेकिन सामने मिल जाए बहनी दीदी बोल दे तो भी दिल को तसल्ली मिल जाती है। और आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जितनी भी YouTube फैमिली, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जरूर इनके चैनल को देखिए, सपोर्ट करिए ज्यादा ज्यादा, क्योंकि जब ये लोग बड़े यूट्यूबर के पास जाते हैं तो इन लोग से पैसा लेके इन लोग के लिए बोला जाता है। तो आज मैंने तो एक रुपये भी नहीं दिया। मैं यही देखना चाहती हूँ कि जो लोग पैसे लेते हैं उन लोग नाम लेते हैं, उन लोग का सपोर्ट नहीं होता है, और मैंने एक रुपये नहीं लिया। आज मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन लोग इन लोग का सपोर्ट करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 1 2 3 तो दोस्तों ये दीदी नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। क्या नाम है आपका? गुड़िया राज ऑफिशियल, इनके चैनल का नाम है। आप लोग सपोर्ट के लिए जाते चले। प्रीति ऑफिशियल, और कौन चैनल नहीं, वो हमारे कौन करना है। अच्छा, तो चलिए दो चैनल का नाम दीदी ने बताया, तो आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए और जाइए देखिए।